जब आप कोई ट्रांस महिला जब एस्ट्रोजन थेरेपी पे है या एचआरटी पे है, तो क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइज है या खान पान या अपनी जीवन शैली में वो क्या बदलाव लाए जिससे कि उसके ब्रेस्ट डेवलपमेंट में जो वो एस्ट्रोजन थेरेपी करा रही है उसमें सहायक हो चीजें? ठीक, देखो उसमें क्या है कि ऐसा तो स्पेसिफिकली हम नहीं कहेंगे, लेकिन क्या है कि जो एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी जिसको आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बोलते हैं, वो इंटीग्रेटेड पार्ट है पूरे ही मैनेजमेंट। क्योंकि जो हम प्रोस हार्मोन थेरेपी देते हैं, ट्रांस हार्मोन थेरेपी देते हैं, उसमें जो है बॉडी स्टार्टिंग से उस लेवल के लिए नहीं प्राइम होती एस्ट्रोजन का, बिकॉज सम इफ समबडी इज फॉर अ ट्रांस फीमेल द लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो फिजियोलॉजिकली जो है जितना होता है उससे ज़्यादा होता है, तो मतलब बायोलॉजिकली हम उसके साइड इफेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो जो एक लाइफस्टाइल जो है, लाइफस्टाइल शुड बी प्रॉपर, दिस रूटीन फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज शुड बी डन, ए हेल्दी डाइट शुड बी टेकिंग लॉट ऑफ फाइबर्स एंड रूटीन इनटेक ऑफ द कैल्शियम कंटेनिंग फूड व्हिच इज रूटीनली मिल्क बेस्ड मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। तो ये हम चाहते हैं कि ये चेंजेस करे जाएं। दूसरी बात क्या है कि कई बार वेट किसी का थोड़ा सा ज्यादा है तो वेट को कंट्रोल करने के चक्कर में जो है एनोरेक्सिक या बहुत कम खाना स्टार्ट करते, उस केस में भी जो है डेवलपमेंट नहीं आया, तो एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द कैलोरी इनटेक इज आल्सो रिक्वायर्ड, नाइदर टू मच और टू लेस। तो एक बीच का वो है कि एडिक्वेट अमाउंट की भी कैलोरी है, कैलोरी की रिक्वायरमेंट है हमारी वो पूरी हो रही। फिजिकल एक्टिविटी भी देखो हर इंसान की अलग होती है, सम आर माइल्ड मॉडरेट और हैवी वर्क डिपेंडिंग ऑन मोस्ट ऑफ पीपल आर लाइक जो मेरे पास है मेरे फॉलोइंग दे आर मॉडरेटली एक्टिव फिजिकली मॉडरेट एक्टिव, सो देयर रूटीन रिक्वायरमेंट ऑफ द कैलोरीज समवेयर अराउंड 1800 टू 2000 किलो कैलोरीज, तो हम उतना उनको रिकमेंड करते हैं। वेट की मॉनिटरिंग भी हम करते हैं कि वजन एकदम से ये ग्राफ ये ऊपर की तरफ तो नहीं जा रहा या नीचे की तरफ तो नहीं जा रहा, तो उसके हिसाब से हम डाइट भी थोड़ा सा उनको उसी हिसाब से एडवाइस भी करते हैं।